हॉस्पिटल गई थी यार। तुम झूठ मत झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल में नहीं थी। तुम तुझे जानना है ना, जान। और तेरी यार कितनी बेशरम लड़की हो तुम। पापा मेरी बात समझो, आपकी लड़की खुद गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। मेरी लड़की गलत है, मेरी लड़की गलत है। मेरे को क्यों शर्म आएगी, मेरी बात तो सुन लो, मार क्यों रहे मुझे? आपकी लड़की दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, सब काम करता है। अंकल बस आप इतना हाइपर मत हो। देखो मैं कैमरा सब बंद करवा के निकल जाऊंगा यहाँ से। भैया मैं सच्ची में मैं क्या बोलूं, मैं तो छोटी सी पार्टी भी नहीं खाता और फिर भी सिपाही नहीं खाता। हर सातवें दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन मेरी बेटी ये फोन करती है मेरे पास, कहीं कहीं ये गद्दार है, ये गलत है, ये जुआ खेलता है, दारू पीता है। आपकी लड़की खुद दो दो बजे तक आती है, अगले दिन सुबह सुबह नशे में आती है, बताओ मैं क्या करूँ? दो दिन से गायब है। क्या सबूत है तेरे पास? दो दिन से गायब है। नशे में आती है। अंकल एक मिनट आप आराम से बैठते, बैठ करके बात करते हैं। मेरे को धक्का दे रही थी वो, बताओ धक्का भी देती है नशे में, उल्टा भी बोलती है। अरे अरे अंकल आराम से बात करते हैं, यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। मैं समझ रहा हूँ आपका गुस्सा जायज है। जान मार दूंगा मैं। दो मिनट रुक जाओ अंकल जी, मैं समझता हूँ आपका गुस्सा जायज है। अरे जितिन से शादी हुई है इसलिए ढंग से उसका दो टाइम का खाना नहीं खा रहा है। हराम का शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। दो मिनट बैठो, बैठ करके बात कर। अरे भाई अंकल आप एक काम करो बैठो भाई, पानी वानी हो तो दो अंकल, बैठो आराम से बात कर दे भाई। एक मिनट चुप हो जाए यार, एक मिनट मेरी नजर से दूर हो जा भाई, चुप हो जाए आराम से बैठ यार, मैं कैमरा स्टार्ट कर लूँ उसके बाद बोलियो। अंकल जी देखो आप जिस तरीके हाइपर हो, आपका हाइपर होना बंद है, भी मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन आप उसके चाल चलन भी तो देखो। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, वो ऐसा हो सकता है, थोड़ा अगले बंदे के प्रोस्पेक्टिव से भी तो सोच करके देखो। दूसरा मतलब कि मेरी बेटी को मतलब कि इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है और मैं चुपचाप देखता रहूँ उसको? नहीं बस दो मिनट रुक जाऊँगा, कैमरा स्टार्ट करा दूँ, आपको सारा सब कुछ पता लग जाएगा, आपकी बेटी सही है। तो एक बार बता भाई, तू तो गलत नहीं है ना? भैया मैं गलत नहीं हूँ, सच्ची में मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बड़ा दूध का थोड़ा है, है? मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी भी वो लड़की घर नहीं आई है दो दिन से, बताओ मैं क्या करूँ? तो देखो अंकल जी एक मिनट रुक जाओ, मैं कैमरा स्टार्ट भाई स्टार्ट है ना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, यू वाचिंग सैम ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज आप देख रहे हो ये जो अंकल बैठे हैं ये इनके दामाद हैं, और इनका कहना ऐसा है कि भाई इनकी जो वाइफ है, जो इनकी बेटी है, उनके कुछ चाल चलन या उनके हरकतें ठीक नहीं लग रही। भाई कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? छह महीने में किसके घर में कलेश होता है? भैया देखो मैं सच्ची बताऊँ ना आपको, मैं जितनी जॉब करता हूँ सारा पैसा घर लेके आता हूँ। वो लड़की है ना, वो पैसा ना सीधा एक डेढ़ दो महीने सही रखा है, उसके बाद तक कलेश शुरू कर दिया। भैया आप मेरे घर में देख लेना, अगर आप खुद आओगे ना 6 महीने आपको इतना खिला लेंगे हम, फिर भी उसे मैं कैसे भूखा रख सकता हूँ, आप बताओ। तो हुआ क्या अंकल, एक बार इसकी सुन लो, आपकी भी सुनूंगा मैं, आप एक बार बोलने दो प्लीज इसको। हाँ। वो लड़की है ना रात रात भर गायब रहती है, रात को 2 बजे आती है, कहीं सुबह 4 बजे आती है, और कभी कभार तो ना नशा करके आती है, मतलब झूमती रहती है, उल्टा बोलती है मेरे को। करती क्या है वो? मुझे तो ये लग रहा है कि क्लबिंग वगैरह जाती है वो फ्रेंड वगैरह के साथ। पापा अरे अंकल आराम से देखिए, ज़्यादा हाइपर मत होइए प्लीज़। लग जाती है वो। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन अगले बंदे को बोलने दीजिए। कैसे बर्दाश्त हो जाएगी भाई साहब? नहीं मैं समझ रहा हूँ जो आप बोलना चाह रहे हो ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक उसके मन की बात नहीं सुनेंगे तो पता कैसे लगेगा क्या प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक शादी हुई है 5-6 महीने हुए हैं, इसने 1-1.5 महीना ढंग से रखा होगा, है? उसके बाद से इन्हें कलेश शुरू कर दिया। क्या अरे उस पर इल्जाम लगाने, उसे मारना पीटना और दारू पी पी के आना। अच्छा हाँ जी, मेरी बेटी के हर चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, हफ्ते में रोज फोन आते इसकी हरकतों के लिए, कि ये जो दारू पीता है जन वह खेलता है जन, क्या क्या करता है जन? भाई सच में तू दारू पीता है? नहीं भैया मैं सूटी सुपारी तक नहीं खाता, दारू तो बहुत दूर की बात है। एक बार बताओ ये सूटी सुपारी नहीं खाता, मेरी बेटी झूठ बोलती है क्या? आपने सामने देखा कभी?
देखो बोले पे तो कोई यकीन नहीं करता। मेरी बेटी देख रही है अपने पति को अपने सामने और वो मुझे फोन कर रही है, इसका मतलब मेरी बेटी झूठ बोल रही है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, देखो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन भाई एक बात बता, ये चीज़ ये क्या हुआ है थोड़ा सा बता, वो क्या कहना चाह रही है? ऐसा कुछ है तो भाई तू तलाक ले। भैया मैं तलाक भी मांग रहा हूँ उससे, पता क्या कह रही है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, तुम्हें तलाक लेना तो मेरे घर वालों से जाके बोलो। कह रही है नहीं मैं क्यों लूंगी, मेरे को तो यासी मिल रही है, मैं तो करूंगी। तो क्यों कर रही है ये सारी चीजें? मैं पूछ रहा हूँ तो कह रही मेरे यही खर्चे पूरे होते, मैं ऐसे ही करती हूँ। इससे पेट भर गया होगा तेरा अंकल, इससे इससे तेरा पेट भर गया होगा अंकल। देखो एक काम करेंगे, देखो आपकी आपकी बेटी को भी यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है? तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख अगर एक बार बताओ भाई, अगर तू गलत निकला ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल लेकर के जाऊंगा। अंकल बैठो बैठो, कूल डाउन, आराम से। अंकल मैं बात कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। देख भाई अगर तेरे जो तू बोल रहा है वो सब कुछ गलत निकला, मैं तेरे खिलाफ खुद FIR करूंगा, ध्यान रखियो। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। देख ले मगर वो लड़की गलत निकली तो मेरे को तलाक चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं रहूंगा। और इनके पापा को सबक दिखा सिखा देना बस। देखते हैं अंकल आपकी बेटी गलत निकली फिर क्या जो उसके साथ करूँगा, अपनी बेटी के संग करूँगा। चलो देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपना दाम खोटा ना हो, परखने वाले क्या कसूर होगा। मेरी बेटी करे तो मैं तो क्यों करूंगा, फिर मैं वही हाल अपनी बेटी के संग करूंगा। नहीं समझ रहा मैं इस बात को। लेकिन 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 जब तक साबित नहीं होता है तो मैं तो इसी पे करूंगा ना, क्योंकि ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो के अंदर बने हैं ना, और भाई देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर सर से पार जा रहा है मेरे तो बिल्कुल भी। अंकल जी आप जा करके थोड़ा पानी वगैरह पिए और कैमरे के आगे बिल्कुल मत आना, ताकि देखो कैमरा हमने छुपा दिया और आपकी बेटी को भी पता नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप साइड में चलो मेरे साथ, ठीक है भाई? ये माइक रख ले, ठीक है? जो कुछ होगा ठीक है। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात करने के लिए बुलाया, बैठो ना आराम से। आप क्यों नहीं बताऊंगा तुम इतनी गलत काम कर रहे हो, तो मेरे को बताऊंगा नहीं कि आपके पापा को क्या करूं, कुछ भी करूं। यार तुम मुझे मार रही हो अपने पति को, क्यों नहीं पूछूंगी मैं तुम्हारा पति हूँ? पति पति नहीं है, सुन मेरी शादी जबरदस्ती है, मैंने अपने पापा की खुशी के लिए किया ये सब। तो तुम मना कर देते हैं मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊंगा जाके उनके आगे, ये तो बता दो मुझे। मेरी गलतियाँ है क्या? गलतियाँ तुम्हारी है क्या? तुमने तो गलतियाँ करती हो, तुम जाती हो क्लब में, जाती हो नशा करती हो। मैं क्यों बोलूं यार बेटा, मेरी बात तो मानो, आप बोलो ना, क्यों आप नहीं बोल रही हो? क्यों बोलूंगी आप ही तो बोलोगी जब आप गलत काम कर रहे हो। आप जाती हो ना, मेरे पापा को बुरा लगेगा कि उनकी बेटी गलत है, मैं गलत नहीं बनना चाहती, तुझे गलत बनाना चाहती हूं। क्यों गलत? आप काम करो, मैं गलत बनूं? है शर्म नहीं आ रही आपको? यार मारो, मार क्यों रही हो? थोड़ी सी तो शर्म करो, तुम्हारा पति हूं। कोई पति वती नहीं मानती मैं तुझे, तो काहे के लिए शादी करी थी फिर? ऐसे बड़े तो पहले मैं नहीं बोल सकता मेरी बात मानो प्लीज यार। यार मार क्यों रहे हो आप? मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, कि पब्लिक क्या सोच रही होगी अपने पति को मार दिए कोई। कुछ भी सोचो, चल इधर बैठ प्यार से समझा रही हूं। मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। तलाक दे, डिवोर्स दे। मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, आपके हाथ भी जोड़ रहा हूँ, तलाक ले जाओ और जाओ, मगर मैं आपके पापा से बात नहीं करूँ। क्यों बोलूँ ये बताओ ना, मैं अपनी भी, मेरी भी तो इज्जत है, मैं अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराने जाऊँगा। नशे में रहते तो इसीलिए शादी करी थी क्या तुमने? क्यों करे यार तुमने? पापा की खुशी पूरी करिए, शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
पैर पड़वा लो चाहे जुड़वा लो दूर रहो। मैं भी चाहती हूँ दूर रहना, पता है पाबंदी लगा दादा, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरी वाइफ को लगाऊंगा नहीं क्या? एक चीज बता दो मुझे, डिवोर्स दे दो, मैं मना नहीं कर रहा ठीक है। तुमने आज 6 महीने हो गए, 6 महीने तो तुमने छूने भी नहीं दिया मेरे को। क्यों नहीं छूगा तुम मेरी पत्नी? नहीं तुम मुझे छुएगा, मैं तुझे अपनी जूती ना छूने दूं। यार क्यों नहीं छूने दोगी ये तो बता दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो ना। ठीक है मेरी, देखो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, डिवोर्स ले लो। पापा को बोल, पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, पापा को बोल डिवोर्स चाहिए, खत्म। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी 2 दिन से कहाँ थी? सच सच बताना। क्यों बताऊँ, नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी यार, बता दो यार, मेरा इतना था क्या? आज जानना है, अभी तो पूछ रहा हूँ। सुन, मैं हॉस्पिटल गई थी। यार तुम झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल में नहीं थी, क्योंकि पीछे से हॉस्पिटल की बिल्कुल हॉस्पिटल में शांति होती है। हॉस्पिटल में थी तो तुझे क्या लगता है? हॉस्पिटल में तुम थी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में शांति होती है, तुम कहीं मतलब की मतलब शोर शराबे वाली जगह पे थी तुम। तुझे जानना है, ये क्या? क्लब गई थी। यार कितनी बेशरम लड़की हो तुम, क्या हुआ? कितनी बेशरम हो यार। ये क्या? ये क्या? अब देख लो अंकल, बहुत मार रहे थे पापा मुझे, अब देखो बहुत मार रहे थे। नहीं मेरी गलती थी, मैं कमाल कर रहा हूँ। तेरा माँ ये तो कहाँ भाग रही है? आराम कर। क्लब से आइए, क्लब से, क्लब से। क्लब से आई, रात में भी क्लब से ही आई है अभी। नहीं मेरे को मार रहे थे ना थोड़ी सी शर्म। मुझसे ये कहती थी वो दारू पीता है, वो जुआ खेलता है, अब कुछ देख लो अपनी लड़की को। मुझे मुझे आने जाने से रोकता है, और मैं जो फ्रेंड के नहीं जाऊँ, सहेली के नहीं जाऊँ। ये तेरी सहेली, ये तेरा क्लब, जुआ खाना, दारू पीती है, तुझे शर्म? बताओ ना मुझे, अब बताओ ना मुझे। कौन गलत है? नहीं मैं गलत था, मेरी मतलब मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था। नहीं 2 दिन के बाद आई है, देख लो। आपकी बेटी क्या कुछ हो ना जाए, है ना? दिख रहा है मेरे को बस। आप कौन हो भैया? एक भी बता कुछ नहीं, अब बोलो ना, अब क्या करोगे? साड़ी का अपमान कर रही है ना। अरे डूब के मर जा, डूब के, जरा सी शर्म नहीं आ रही है? मैंने उसको 1000 गाली सुनाई है, उसके ऊपर चढ़ गया मारने पीटने के लिए, क्योंकि चुप कर, दूर हट। अपनी लड़की का तो कोई नहीं देखता। ये गलत है, मेरी बेटी सही है, मुझे क्या मालूम, तो तू ही गलत है। चुप कर, चल हट जा। दियो भाई माइक दियो। तू ऐसा है, तू माफ करने लायक भी नहीं है, तू इतनी गलत है। मेरा मेरा नाम, मेरा मेरी इज्जत सब तूने खाक में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। देखो ये क्या पहन रखा है, ये आपकी संस्कारी लड़की है, देख रहे हो आप? सब शर्माती है ऐसा ऐसा देखकर, हैं? इसमें भेजा था घर से, इसमें भेजा था मैंने, और ये किसके संस्कार है? ये किसके संस्कार है? मेरे संस्कार नहीं है, जो इसके उसके नीचे ये पहने, किसके संस्कार है बोलिए? कौन है तेरी सहेली? कौन है तेरे यार? कौन है तेरे लड़के? अरे तो इसके साथ नहीं रहना था, तो चाहती थी तो मुझसे बोलती, ये करने की क्या जरूरत है तुझे? ऐसा है तुम, तू यहाँ से मतलब कि मैं
क्या ही बोलूं अंकल जी, देखो आप इस सीधे साधे बंदे को जो है मेरे पे ब्लेम लगा रहे थे हैं। हां जी बिल्कुल लगा रहा था, मेरी मुझे नहीं मालूम था तो मेरी बात तो सुन ले दो उस टाइम सही से, मेरी बात सुन ले दो तो मैं आपको सब कुछ बता दो रहा था मगर नहीं। अरे भाई भाई बगैर देखे कैसे सुन लूं, कैसे मान लूं। अब मैं एक बात हूं, मैं आपका दामाद ही तो हूं, दामाद की बात नहीं सुनोगे तो किसी और की सुनोगे क्या? जाके एक बात बताओ, मैं झूठ क्यों बोल लूंगा? आप खुद, मैंने आपको क्या बोला था घर पे भी? मैंने बोला है ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हरकत पापा को दिखाई, पापा यकीन नहीं मानने थे। तुम्हारे पापा के साथ साथ लाखों करोड़ लोग देख रहे, देख सामने देख, जरा देख सामने देख, ये कैमरा। हाँ अरे तेरे पापा ने लगवाया है। कैमरा इधर इधर आ जाइए, क्या कैमरे को बंद कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज पापा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तेरे तेरे करतू तेरी हरकत ये दुनिया देखेगी, पापा देखने सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, अब मुझे मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि बिल्कुल नहीं, दूर 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 मेरे से दूर रहो यार, मेरे को नहीं चाहिए तुम, तुम तो मर जाओ जाके, मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे डिवोर्स तो देके रहूंगा, तुम मर जाओ उसके बाद, मैं तो चाहता हूँ दूर अपनी लड़की को ले जाओ यार। भैया हेलो हेलो भैया बैठ बैठती हूँ, मैं देखो बहुत सब मैं मान रहा हूँ कि इसकी गलती है, तुम्हारी नहीं है पापा, मैं आपके हाथ जोड़ लेता हूँ। देखो सुनो, दामाद कभी पैर नहीं पड़ता, मैं पैर भी पढ़ लूंगा मगर मैं आपकी लड़की के साथ नहीं रहूंगा, वो मत करना जो तुमने अभी अभी बोला है। देखो अंकल जी, आपने बोला था कि आप जो सजा दोगे अगर ये गलत हुआ तो इससे सजा दोगे, अगर ये गलत है तो आपकी बेटी गलत है। भाई तू क्या चाहता है ये बता। मैं भैया इससे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं डिवोर्स दे दूंगा इसे और अपने घर में नहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भैया कोई कोई भी है ना, दामाद पैर नहीं छूता, मैं पैर भी पढ़ने के तैयार हूँ अपने ससुर के कि भैया मैं नहीं करूंगा सब ऐसा। भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ इसके लिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं आप प्लीज पापा, ऐसा आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप संस्कारी हो ठीक है, आपकी लड़की भी संस्कारी है, मैं ही गलत हूँ, कोई बात नहीं पापा मैं ही गलत हूँ। देखो एक मिनट सुनो मेरी बात, मैंने इसको ये संस्कार नहीं दिए, ये क्या कर रही है वो इसके संस्कार है, मेरे संस्कार नहीं है, हैं? मैं नहीं रखूंगा। देखो पापा भैया मेरी बात सुन लो, पहले तुम हेलो तलाक करवा दो और देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, हैं? जो ये घर की इज्जत है घर में रहने दो, इसे मत उसमें लाओ। एक भैया को तो आपके सामने की बात है, मार रहे थे मेरी बात नहीं सुनने, अब इज्जत घर की आ रही, जब नहीं आ रही थी इज्जत। भैया मैं अरे भैया कैसे मालूम पड़ेगा ये बात? अंकल जी अभी भी आप चिल्ला रहे हो अगले बंदे के ऊपर, उसकी गलती नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ भैया कैसे मालूम पड़ेगा मुझे ये बात कि मेरी मेरी बेटी गलत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शुरू में चिल्ला रहा था इनसे सब काम कर रहा था इसलिए कि मेरी बेटी सही है, जब मुझे बाद में ये मालूम पड़ा कि मेरी बेटी गलत है तब तो मैं हाथ ही जोड़ रहा हूँ ना। और ये घर की जो इज्जत है इसे रखो भैया, तुम तो दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से प्लीज, मैं तो तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। तू सलाह कर ली, मैंने ना घर भी बुलाया था भैया, मैं चला जाऊंगा भैया, ठीक है भाई देख लो अब तुम्हारा आपस का मैटर है। भैया जी मेरी बात सुनो, रोज आए दिन फोन करती थी, हैं? ये कहती थी ऐसे पूछो ये सच बोल रही है झूठ? हाँ भाई दारू पीता है, दारू पीता मारता तू ये? जुआ बुआ खेलता देख ले भैया, भाई तेरी मर्जी, तू जो चाहे वो कर सकता है, मैं तलाक दूंगा ठीक है भाई, तलाक दूंगा भैया मैं देखो मैं चला जाऊँ, भाई मर्जी आपकी, आप जो चाहे वो कर सकते हो। भैया मैं तो हाथ जोड़ के भैया अब आगे से नहीं करेगी, जिस दिन तलाक के पेपर लेके आऊंगा ना आपके सामने मैं इसके कर दियाऊंगा जाके, ठीक है? आपका भैया फैमिली मैटर रह गया, मेरे से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गाइस शेयर करना, देखो क्या ही चल रहा है भैया, मैं नहीं रहा हूं, तुम चले जाओ मेरी आंखों के सामने। भाई देखो अभी आपका जो है ना, सुनो मेरी बात सुनो, आप तीनों सुन लो, ये आपका फैमिली मैटर रह गया, तलाक देना है साथ में रहना है या जो करना है वो करो, गाइस वीडियो ऐसा शेयर कर देना, अब तुम देख लो भाई मुझे नहीं पता अपना लड़ते रहो।